डॉक्टरों की लापरवाही से हुई प्रसूता आरती की मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसकारी में 20 वर्षीय महिला को प्रसव के दौरान अपनी जान गंवाना पड़ी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर में आरती पति जसवंत निवासी भोजपुर को प्रसव वेदना के चलते परिजनों के द्वारा बसकारी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर मौजूद चिकित्सक व स्टाफ नर्स के द्वारा 4 बजे बच्चे का प्रसव सफलतापूर्वक कराया गया। परिजनों का ये आरोप है कि प्रसव कराने के बाद महिला की देखभाल के लिए कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। प्रसव पीड़ित महिला की तबीयत खराब होने लगी, जिसमें इलाज के अभाव में समय 7 बजे के करीब अस्पताल में दम तोड़ दिया। उर्फ अरविंद जो आज मृत्यु हुई या किसी का जी, जो बच्चे की मृत्यु हुई क्या क्या लगते हैं? उसके चाचा तो कहा जा रहा है कि आप लोगों से पैसा भी लिए डॉक्टर लोग? हाँ, पैसा तो लिए थे, अभी हमारे भैया बता रहे हैं। तो नाम बता सकते हैं लोगों डॉक्टर लोग? नहीं, तो हम तो मौके पर नहीं थे, लेकिन भैया हमारे दिन भर। और डॉक्टर क्या कह रहे थे आप लोगों? डॉक्टर कह रहे थे हम क्या, हम नहीं कुछ जानते, आप लोग जो है हम पैसा, हमको तनख्वाह सरकार देती है, हमसे क्या मतलब है? जब सरकार पैसा देती है तो पैसा किस चीज़ के लिए? पता नहीं, पब्लिक के सेवा के लिए लेती है कि उनको घर बैठने के लिए लेती है, पैसा देती है सरकार। अब यही आप लोग बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम बस ग्राम बेला परसा के रहने वाले हैं, जिला अम्बेडकर नगर तहसील टांडा थाना बसकारी, हमारा ब्लॉक भी बसकारी है सर। भर्ती होने के उपरांत 4 बजे इसको सामान पे ले गई हूँ, जच्चा बच्चा दोनों दिख के। जैसा कि अधीक्षक महोदय ने बताया कि 7 बजे के लगभग उसको अचानक दर्द हुआ, दर्द की सूजी लगाई गई और उसके कुछ देर बाद वो महिला की वो उसका निधन हो गया। ये बहुत दुख की बात है। तो प्रथम जच्चा जो मैंने जाँच की उसमें जो स्टाफ नर्स थी उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सचिव वाला जो डॉक्टर अंजू महाराज जो संविदा की चिकित्सक है, इनकी संविदा समाप्ति के लिए मैं मिशन निदेशक को लिख दूंगा। तीसरा जो अधीक्षक जी हैं, अधीक्षक जी की व्यवस्था सही नहीं है, इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और निलंबन के लिए भी लिखा जाएगा। इसके पहले भी 2 और मौतें हो चुकी है, उस समय में यहाँ मौजूद नहीं था इसलिए लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं आता। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसी बात को लेकर जनता आक्रोशित है। तो जनता का आर एन ए जाँच कमेटी बना दी गई है, जिसके की इंचार्ज डॉक्टर पासवान जी होंगे, सालिकराम पासवान ACMO हैं, वो उसके इंचार्ज होंगे। 3 लोगों की कमेटी होगी, वो 7 दिन में पूरी जांच करके आप लोगों की वार्ता करके जांच करके रिपोर्ट देगी और दोषियों के खिलाफ जो अन्य भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। शुक्रिया।